बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी ने मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के बाद लखनऊ वापस लौटकर 8 बजे 12 मॉल एवेन्यू स्थित यूपी स्टेट बीएसपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसका मूल अंश इस प्रकार से है। मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को यह विदित है कि उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। हालांकि इन तीनों चरणों के चुनावों के दौरान इन्होंने इस चुनाव को धार्मिक रंग देने की पूरी कोशिश की है, जिसमें इस बार ये पार्टी हमारे गठबंधन के काफी सजग रहने की वजह से फिर ये काफी बुरी तरह से पिट गई है और वह फेल हो गई है। इसके बाद इस पार्टी ने, खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, अपनी चुनावी जनसभाओं में खुद को अपने पिछड़े वर्ग का बताकर फिर इस चुनाव में इन्होंने जाति के आधार पर यहाँ पिछड़ा वर्गों का वोट लेने का पूरा प्रयास किया। लेकिन इस मूल जाति के बारे में कौन नहीं जानता कि श्री नरेंद्र मोदी पहले अंगड़ी जाति में ही आते थे, लेकिन गुजरात में अपनी सरकार के चलते हुए इन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए व पिछड़े का भी हक मानने के लिए अपनी अग्री जाति को ही वहाँ पिछड़े वर्ग में शामिल करवा लिया था। तो फिर इसमें हमने इनकी जाति के बारे में ये क्या गलत बोल दिया कि ये श्री मुलायम सिंह यादव और इनके बेटे श्री अखिलेश यादव की तरह जनजात पिछड़े वर्ग के नहीं, अर्थात ये पहले ऊंची जाति के थे और बाद में ओबीसी के बने हैं। लेकिन फिर भी आज इन्होंने कन्नौज में जो ये कहा कि मुझे पिछड़े वर्ग का होने की वजह से हमारे विरोधी लोग मुझे नीच समझते थे और मुझे बहन जी व अखिलेश ने भी नीच कहा है, जो इनका ये आरोप काफी शरारत पूर्ण व तथ्य से बिल्कुल परे है, जबकि हमने इनको कभी भी नीच नहीं कहा बल्कि इनके पूरे सम्मान के साथ ऊंची जाति का ही होने का बताया है। तो भला फिर इसमें इनके लिए नीच कहने वाली बात कहां से आ गई? और अब इससे तो हम ये भी मानकर चलेंगे कि अब ये अपनी नजरों में अपर कास्ट समाज को भी नीच समझने लगे हैं, ये भी यहां गंभीरता से सोचने वाली बात है। जबकि वास्तव में नीच व छोटा तो अभी ये खुद भी, इनकी पार्टी भी हमारे दलित जाति के लोगों को मानकर चलती है, ये पूरा देश जानता है। इतना ही नहीं बल्कि ये भी सर्वाधित है कि इनकी पार्टी व खुद श्री नरेंद्र मोदी भी कभी भी यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों के सच्चे हितैषी व हितैषी साबित नहीं हुए हैं। और इसके बाद हैदराबाद का रोहित वेमुला कांड व गुजरात का उन्ना कांड ये खास सबूत है। इसके साथ ही इनके बारे में अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों का आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई थी, तब उस समय इसकी सरकार को बाहर से समर्थन दे रही इसी ही भारतीय जनता पार्टी ने इनके इस फैसले से दुखी होकर फिर इनकी सरकार को समय से पहले ही गिरा दिया था। और फिर इन्होंने आरक्षण विरोधियों को आगे करके इसका पूरा देश में जबरदस्त विरोध भी खूब किया था। और इसी ही प्रकार कांग्रेस पार्टी भी इनकी कभी भी सच्ची हितैषी पार्टी साबित नहीं हो सकती, जिन्होंने केंद्र में अपनी सरकार के चलते हुए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया था। इसलिए इस चुनाव में और आगे भी किसी भी चुनाव में, खासकर कांग्रेस व बीजेपी के दलित एवं पिछड़ा कार्ड खेलने से भी इनको कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है। और हो सकता है कि आज इस संबंध में मेरी प्रेस वार्ता होने के बाद से शायद श्री नरेंद्र मोदी अपना ये पिछड़ा होने का कार्ड खेलने की राजनीति खुद ही बंद कर दे, अर्थात जब इनका जात पात जपना व इसकी आड़ में दलितों व पिछड़ों का वोट हड़पना ये बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि बीजेपी ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में अपने चुनावी वायदों का जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से ये खासकर उत्तर प्रदेश में अभी तक जो 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं उसमें ये पार्टी इस बार बहुत पीछे रह जाएगी और शेष बचे चरणों में भी इस पार्टी का लगभग यही बुरा हाल होने वाला है, जिसको लेकर ये पार्टी बहुत मुश्किल में है। ये सभी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है। और अब जब इस चुनाव में इनके अभी तक के इस्तेमाल किए गए हथकंडे बुरी तरह से फेल हो गए हैं और अब ये पार्टी यहाँ ऐसे हथकंडों का भी इस्तेमाल कर रही है जो आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक हमारे देशवासियों ने ऐसा किसी भी सरकार में होते हुए नहीं देखा, अर्थात चुनाव में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से फिर यहाँ किसी भी पूर्व में रही सत्ताधारी पार्टी ने खासकर सीबीआई, ईडी व आईटी आदि कभी भी अपने विरोधियों के विरुद्ध में इनका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन इस देश में बीजेपी पहली ऐसी सत्ताधारी पार्टी है जिसने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस बार चुनाव में अपनी एजेंसियों का अपने विरोधियों के विरुद्ध खुलकर इस्तेमाल किया और उसे फिर मजबूरी में मीडिया खूब दिखाता रहा। इसे ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये पार्टी अब इस बार सत्ता में आने वाली नहीं है। और इस संबंध में मुझे मीडिया के जरिए ये मालूम हुआ है कि अब चीनी मिलों के विक्रय के विषय में सीबीआई द्वारा जांच के मामले को भी राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इतने पुराने मामले, खासकर लोकसभा निर्वाचन के दौरान सीबीआई जांच की अधिसूचना निर्गत किया जाना, ये सीबीआई के दुरुपयोग का स्पष्ट उदाहरण है। हालांकि इस संबंध में ये भी
अक्सर विवादित है कि चीनी मिलों के विक्रय में मुख्यमंत्री के रूप में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। मेरे खुद के स्तर पर इस विषय में कोई आदेश या निर्णय पारित नहीं किया गया था, बल्कि ये फैसला कैबिनेट ने लिया था, परंतु मीडिया में इसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे ऐसा लगता है कि चुनाव में हमारे यहाँ महागठबंधन की सफलता तथा इसको मिल रहे अपार जन समर्थन से बौखला रही केंद्र सरकार द्वारा चुनाव के दौरान ये सब कार्यवाही की गई है। इस प्रकार से सीबीआई को फिर यहाँ एक बार तोते की तरह ही इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहाँ चीनी मिलों की विक्रय की कार्यवाही राज्य की पूर्व की स्थापित नीति के तहत संबंधित विभाग द्वारा की गई थी। यदि इसकी प्रक्रिया में कोई दोष है तो इसका जांच हो सकता है, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन अब खासकर चुनाव के समय ये जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। ये सरासर गलत और तथ्यों के विपरीत है और हमारे महागठबंधन के दिन प्रतिदिन हो रही मजबूती पर इन हथकंडों से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। सत्य को नहीं दबाया जा सकता, जनता सब समझती है। चुनाव के दौरान ये कार्रवाई करके जनता को भ्रमित किया जा रहा है, जनहित के मुद्दों से उसे भटकाया जा रहा है। और वैसे भी चीनी मिलों के विक्रय के संबंध में ऑडिट आपत्तियों में अथवा लोकायुक्त की रिपोर्ट में भी मुख्यमंत्री के संबंध में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की गई है। इसे ये स्पष्ट है कि इस संबंध में एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत ही केंद्र सरकार सीबीआई के माध्यम से चुनाव प्रभावित करने के उद्देश्य से ही अपना ये सब कार्रवाई कर रही है। जनता को इसे सावधान रहना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार अपने इस षड्यंत्र में सफल नहीं होगी और यहाँ उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। इसे कोई रोक नहीं सकता और आज चौथे चरण का प्रचार भी बंद हो गया है और ये चरण भी हमारे गठबंधन का काफी अच्छा रहेगा। इसी ही प्रकार आगे के चरण में भी काफी अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा देश की जनता बहुत बारीकी व गंभीरता के साथ बीजेपी व श्री मोदी सरकार के 5 वर्षों का आंकलन कर रही है और वोट करते समय इस बात को जरूर ध्यान में रखेगी कि यहाँ सरकार जनहित के खास मामलों में, खासकर गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ किसान, छोटे व्यापारियों व मध्य वर्ग के हितों की रखवाली के मामले में बुरी तरह विफल साबित हुई है। वास्तविक ये भी है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा व धार्मिक अल्पसंख्यकों को इतना आंतरिक व भयभीत करने का प्रयास जारी है, वो अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सके। ये घोर जन विरोधी नीति है, अपने हक व जुल्म, ज्यादती व अन्याय के खिलाफ संघर्ष या विरोध करने वालों को आतंकी, देशद्रोही और ना जाने क्या क्या घोषित कर दिया जाता है। ये अति दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर कोई गलत काम करता है तो उसे कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में समस्त समाज को सजा देने की कोशिश करना अनुचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।